दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। तो कल से 19 से 23 जून के लिए जो वीक स्टार्ट हो रहा है, ट्रेडिंग वीक, उसके लिए और मार्केट का क्या आगे सेंटिमेंट्स लगते हैं हमें, ये थोड़ा सा बात करने के लिए इस वीडियो में अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो से हेल्प हो रही है, लर्निंग हो रही है, तो ज़रूर करें। और जो भी आपको आगे लर्निंग वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमें बताया कीजिए। आप कमेंट में भी डाल सकते हैं, हमें फ़ोन पे भी बता सकते हैं, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक भी चैनल में है, आप जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मार्केट की लाइव मार्केट में हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कमेंट्री देने की। अभी 2-3 दिन से हमने UBL में अच्छा ट्रेड करवाया, हम लोग अपनी स्टडी को शेयर किया। हम क्या ट्रेड कराएंगे, हम तो खाली स्टडी ही शेयर करते हैं अपनी। और हमने HDFC लाइफ, अशोक लीलैंड, NTPC, इस तरीके के काफ़ी शेयर्स को हमने जो मूव पकड़ी थी वो हमने शेयर करी थी। साथ में टाटा कम्युनिकेशन लास्ट वीक भी हमने शेयर किया था और उसका चार्ट भी शेयर किया था हमने। मैक्सिमम टाइम चार्ट भी शेयर करते हैं लाइव मार्केट में, तो वो सब थोड़ा सा हेल्प आपको वहीं मिल सकती है, क्योंकि डेली वीडियो करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और मार्केट में, लाइव मार्केट में काफ़ी चीज़ें बदलती रहती हैं, जैसा कि मैंने देखो टेलीग्राम पे भी, अगर आपको याद हो, और व्हाट्सएप में भी 18805 18806 वाला एक लेवल लिखा था थर्सडे को, कि ये लेवल के लिए मार्केट बिल्कुल तैयार हो गया है। तो मार्केट ने इतनी खूबसूरती से उस लेवल को ऐसे उड़ा दिया कि कोई हडल ही नहीं है, और बहुत ही अच्छा लगा कि उसके ऊपर फ्राइडे को मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाई और मार्केट कहीं ना कहीं 18826 के पास में जो बंद हुआ है, ये बड़ा अच्छा क्लोज किया है मार्केट ने। और मार्केट, मैं आपको बताऊं कि जो 1 दिसंबर 2022 को जो टॉप लगा था, जो 1 दिसंबर 2022 का हाई है, उसको मार्केट तोड़ने के लिए बहुत एग्रेसिवली ट्रेड कर रहा था फ्राइडे को, लेकिन फ्राइडे नहीं तोड़ पाया। अब सवाल उठता है कि क्या ये कल मंडे को टूट जाएगा या इस वीक में टूट जाएगा, एक पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या इसी जून सीरीज के अंदर हम 19,000 देख पाएंगे निफ्टी का लेवल, दो सवाल। और तीसरी बात ये, क्योंकि मार्केट में इस वीक भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं एक दो, तो उनका हमें ध्यान रखना है। अब पहला जो क्वेश्चन है कि क्या 1 दिसंबर 2022 वाला हाई टूटेगा कल परसों में, तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि कल परसों में टूटेगा, लेकिन इस वीक में ये हाई टूट जाना चाहिए। और दूसरी बात कि क्या निफ्टी 19,000 इस जून सीरीज में जाएगा, यहां पे मैं आपको बोलूंगा कि बाजार पहले एक छोटा सा पॉज लेगा और जाने के जो चांस हैं वो 80% नहीं, मैं कहूंगा 90% है। 90% चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 19,000 हिट कर जाए। अगर आप लोगों ने एक थंबनेल देखा हो मेरा इस वीडियो से, जो एक वीडियो पीछे वाली 4 जून को जो मैंने वीडियो डाली थी, अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करी थी, तो उसमें जो थंबनेल है उसमें निफ्टी का ही चार्ट है और उस पर निफ्टी का सपोर्ट एंड टारगेट देखिए लिखा हुआ है साफ साफ। उस थंबनेल को देखेंगे तो हम वहीं से बहुत बुलिश थे। रीजन क्या था कि अगर आपको याद हो कि मैंने 2-3 वीडियो में खूब बोला है उसको, बार बार वो नंबर फिर रिपीट करूंगा, 18712 के ऊपर क्लोज होते ही हम 200 पॉइंट की ऊपर की ट्रेड प्लान कर सकते हैं बिंदास, ऐसा बार बार बोला। और आप देख रहे हैं कि 18712 के ऊपर हम ऑलरेडी 150 पॉइंट करीब कैश कर चुके हैं, क्योंकि जो लास्ट अभी सेशन में मैं चार्ट देख रहा हूं, मैं देखिए चार्ट आपको शेयर नहीं कर पा रहा हूं वीडियो में, लेकिन आगे से हम चार्ट वाली वीडियो भी शेयर करेंगे आपको। मैं करता भी हूं उसको टाइम टू टाइम, जब लगता है कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चार्ट पे, क्योंकि चार्ट से भी लर्निंग बढ़ती है हमारी। तो 18864.70
18,864.70 का हाई मारा फ्राइडे को। 18,712 से अगर आप इन लेवल को देखते हैं तो करीब करीब हम 150 पॉइंट की ट्रेड कर चुके हैं। और अगर हम कहें कि क्या 150 पॉइंट की ट्रेड हो गई तो क्या निकल जाएं ट्रेड से, बिल्कुल एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए फ्राइडे को। फ्राइडे को कभी भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, ना मैं किसी को ये एडवाइस देता हूँ कि भाई ये करो, क्योंकि चैनल पे सारा का सारा आपको स्टडी शेयर किया जा रहा है और स्टडी के लिए ही चैनल है, तो आप स्टडी बेस्ड काम करें। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है सुनने की, क्योंकि मैंने बोला कि ये लेवल तो टूट जाना चाहिए दिसंबर वाला और 19,000 की प्रोबेबिलिटी है, तो अगर 19,000 का लेवल आया, चाहे इस सप्ताह में आए, चाहे अगले में आए, चाहे जहां आए, तो वो 19,000 में नहीं रुकेगा। 19,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, इस बात से आप भी सहमत हैं, मैं भी सहमत हूं, लेकिन बाजार बोल रहा है कि फिर हम 19,100 जरूर दिखाएंगे, वहां से 100 पॉइंट। देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स को दोस्तों कैश करिए, ट्रेड करिए, अभी ज्यादा आगे की मत सोचिए। मार्केट में एक सिग्नल मिला है करेक्शन का, जो मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन जब ये सिग्नल मिलते हैं, ये सिग्नल जानते किस चीज के सिग्नल मिल रहे हैं, ये टाइम करेक्शन के सिग्नल मिल रहे हैं, ये हैवी करेक्शन के सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, ये टाइम करेक्शन के सिग्नल हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि आगे के निवेश के लिए। देखिए मैं जब एक बात, मैंने एक बार एक बहुत छोटी सी वीडियो बनाई थी, बहुत छोटा सा शॉर्ट था वो, मेरे ख्याल में 50 सेकंड का, एक मिनट का, कि होली के बाद मार्केट को हरा रंग पसंद होगा। लोगों ने बड़ा मेरी खिंचाई करी उस वक्त, क्योंकि होली के 3-4-6 दिन तक मार्केट गिर रहा था। उन्होंने बोला भाई ये तो पागल आदमी, इसने मरवा दिया भाई। लेकिन आप देखिए कंटिन्यूस होली के बाद से आप देख लीजिए, अप्रैल पूरा तेजी में निकल गया, मई पूरा तेजी में निकल गया, जून पूरा तेजी में निकल रहा है, इवन मार्च में भी 2-3 दिन बाद ही स्टार्ट हो गया था ऊपर का नजरिया, आप देख लीजिए। यानी कि मार्च भी, अप्रैल भी, मई भी, जून भी, और तमाम लोग बोल रहे हैं कि मार्केट क्रैश खत्म, निफ्टी बुलाती जाने का नहीं, ये नहीं वो नहीं, भाई ऐसे नहीं होगा। वी शुड एनालाइज द मार्केट, डोंट प्रिडिक्ट द मार्केट। मार्केट को प्रिडिक्ट करने का काम मात्र महाकाल का है, इसलिए जय महाकाल। महाकाल के अलावा कोई इस मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ऐसा बोलने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो होता रहता है, ठीक है, होता है, लेकिन नहीं, हमें तो एनालाइज करना चाहिए कहां से क्या चीज बन रही है मार्केट में, वो देखना चाहिए। जैसे हमने अपनी वीडियोस में कई बार शेयर किया कि दोस्तों एफबीआई के कुछ मैंडेट आ रहे हैं, पेंशन फंड्स कुछ चीजें खरीद रहे हैं। देखिए जब वो इतने बड़े बड़े पैसा लेके बाजार में आते हैं और बाजार में बाइंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि शेयर्स के जब ऑर्डर लगेंगे तो शेयर्स के प्राइसेस जंप होंगे, और प्राइसेस जंप होने पर ही शेयर भी बढ़ता है और मार्केट भी बढ़ता है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा तामझाम लगाने की जरूरत ही नहीं है कि बोलिंजर बैंड ये कह रहा है, आरएसआई ये कह रहा है, आरएसआई ये कह रहा है, पता नहीं कौन सा एमएसईडी ये कह रहा है, ये सब कहां। आप कभी हमारे चार्ट एनालिसिस में देखेंगे तो हमारे साथ आप ये सब चीजें नहीं पाएंगे। इवन हमारी पढ़ाई लिखाई में, हमारी वर्कशॉप्स में भी हम इंडिकेटर ऑक्सीलेटर्स ना बिल्कुल नहीं, ये सब बेकार के धंधे, ये सब छोटे छोटे बच्चे इनको सीख रहे हैं, तो आप ये सीखेंगे कैसे एनालाइज कर पाएंगे। एनालिसिस करने के लिए अच्छी स्टडी का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बेसिक्स के लिए आप छोटी छोटी बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कुछ लोग बुक्स वगैरह के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने एक दो वीडियो में बुक्स वगैरह शेयर करी थी, एक बार देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं फिर टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आपको एक दो बुक्स के नाम और एक दो बुक्स के जो मेरे पास हैं अभी बुक हाल फिलहाल में जिन्हें मैं पढ़ रहा हूँ, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। फिलहाल मार्केट में यही चीजें हैं। और दूसरी चीज एक बात और दोस्तों कि यहाँ पे 20, 21, 22 तीनों दिन मेजर इवेंट है, इवन 21 और 22 को तो खासा मेजर इवेंट है। 21 जून को यूके का इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन डाटा है वो रिवील होना है, और 22 जून को इंटरेस्ट रेट के बारे में डिसीजन आना है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट हैं और बहुत आगे की चाल को निर्धारित करेंगे
क्योंकि यूके का जो इन्फ्लेशन रेट है ये एटलीस्ट नेक्स्ट क्वार्टर तक हमें क्लियरिटी देता है ओवरऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ध्यान रखिएगा इसको 21-22 जून। अब मार्केट इस वीक में थोड़ा सा एक पॉज भी लेगा, ध्यान रखिएगा मार्केट एक हल्का सा रेस्ट लेगा और वो जो रेस्ट होगा वो बाय ऑन डिप के लिए होगा, यानी कि मार्केट का जो सपोर्ट है इस वीक के लिए वो 18,550 है सपोर्ट ऑफ द निफ्टी, और जो ऊपर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 1 दिसंबर 2022 वाला हाई ही है, यानी कि 18,888 इसको तोड़ के अगर इंट्राडे में ही ट्रेड करता है मार्केट और इसके नीचे क्लोज होता है तो इसे ब्रेक मत समझिएगा। ब्रेक जब होगा जैसे 18,712 को तोड़ के क्लोज करा मार्केट ने और उसके बाद नेक्स्ट डे से आप कॉन्फिडेंटली ऊपर के लिए ट्रेड बनाइए, ऐसे ही 18,888 को तोड़ के मार्केट क्लोज कर जाए अगले दिन से आप जहां कहीं भी आपको मार्केट मिले उसके ऊपर बहुत ज्यादा निकल जाए तो आप ट्रेड क्या बनाएंगे, फिर उसके आसपास मिले या उससे नीचे भी मिले तो आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के बड़े आराम से फिर 200 पॉइंट की रैली के लिए आप तैयार हो जाइए। तो ये एक मार्केट का एनालिसिस है इस वीक के लिए। नेक्स्ट वीक जब ये चीज क्लियर हो जाएगी तो नेक्स्ट वीक आपसे बहुत प्रॉमिस है कि 2 स्टॉक्स मैं शेयर करूंगा विद माय फंडामेंटल एनालिसिस एंड ब्रॉडर व्यू, ठीक है, एक बड़े लक्ष्य के लिए कोई 2 स्टॉक्स के ऊपर जो स्टडी चल रही है, स्टडी मेरी बहुत सारे स्टॉक्स पे चल रही है लेकिन उनमें से कोई जो 2 निकलेंगे या हो सकता है एक ही निकले और हो भी सकता है कि कुछ भी ना निकले, क्योंकि जब तक बहुत स्ट्रांग चीज नहीं हमारे सामने आती है हम कभी शेयर नहीं करते हैं। सो इसीलिए महाकाल के आशीर्वाद से मैक्सिमम टाइम स्टडी को सफलता मिल जाती है और लक्ष्य पूरे होते हैं और हम और आप स्टडी के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं, तो सीखना चाहिए और सीखते रहें। बस इसी तरीके से आप अपना ध्यान रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महाकाल।